हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे कैप जेमिनी के एनालिस्ट रोल के बारे में। वन बाय वन करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि रोल में आपको क्या डोमेन्स मिल सकते हैं, कैसी ट्रेनिंग होती है, ये रोल किस चीज़ के अबाउट में होता है, कैसा काम होता है, कैसी वर्क लाइफ होती है, सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो इसका एक जनरल नाम है रोल का, जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो होता है एनालिस्ट। ठीक है, तो एनालिस्ट के रोल में क्या होता है कि जब पहले की बात कर रहा हूँ, बिफोर द कोविड टाइम, आपकी जो ट्रेनिंग्स होती थी वो होती थी लगभग 6 मंथ्स की। तो ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि आपकी क्या होंगी, सबसे पहले ट्रेनिंग्स होती हैं, तो जो आपकी ट्रेनिंग्स होती थी वो होती थी आपकी 6 मंथ्स की। अब ये ट्रेनिंग्स थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है और ये ट्रेनिंग्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं लगभग 2 to 3 मंथ्स में। ठीक है, तो लगभग आपके 3 मंथ्स तक में आपकी ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी, पहले 6 मंथ्स की हुआ करती थी, राइट। और अब ट्रेनिंग में बात करता हूँ कि किस पर्टिकुलर चीज़ पर आपको मिलेगी, तो ये डिपेंड करता है आपकी सर्विस लाइन पर। ठीक है, अब सर्विस लाइन क्या होता है, सर्विस लाइन जिसके अंदर आप काम करने वाले हो, जिस चीज़ पे आप काम करने वाले हो, जिस पे बहुत लोग पूछते हैं एनालिस्ट का रोल क्या है, क्या करता है, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो जो कैपजेमिनी की जो कुछ सर्विस लाइन है वो है एक क्लाउड। तो हो सकता है आपको क्लाउड पर काम मिले, अगर आप क्लाउड में चले गए तो आपकी क्लाउड्स के ऊपर ही ट्रेनिंग होगी और क्लाउड के ऊपर ही आप काम कर रहे होगे। ठीक है, क्लाउड हो गया। दूसरा हो गया आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक सर्विस लाइन होती है कैपजेमिनी में। तीसरी होती है आपके, आपने SQL पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड होती है PL SQL, जिसमें Oracle आ जाता है, तो उसमें आप SQL की स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रहे होते हो, तो ये एक सर्विस लाइन होती है। और कैपजेमिनी में काफ़ी लोग जाते हैं जावा डेवलपर वाली सर्विस लाइन में, जो आपकी सबसे बड़ी सर्विस लाइन है वो है जावा डेवलपर की। काफ़ी लोग आपके एज अ जावा डेवलपर ट्रेंड होते हैं और जावा डेवलपर में वो लोग वर्क करते हैं, तो ये एक सर्विस लाइन होती है। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादातर लोग इन्हीं किसी सर्विस लाइन में वर्क कर रहे होते हैं, तो ये आपका रोल होता है। अब आपका रोल क्या होता है, जब आपकी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं तो ट्रेनिंग्स के बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट एलोकेशन में आपको क्या होगा कि जिस भी आपकी फील्ड पर ट्रेनिंग हुई उसके बाद आपको उसी पे प्रोजेक्ट मिलेगा। अब जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें आप ऐसा फ्रेशर एंटर कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, सबसे पहले मिलता है सपोर्ट का काम। मतलब ज़्यादातर लोगों को डेवलपमेंट का काम नहीं मिलता, ज़्यादातर लोगों को मिलता है सपोर्ट का काम। अब सपोर्ट का काम क्या होता है, आप अच्छे से सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, उसमें जो एडमिन रोल्स होते हैं उसमें जैसे किसी को एक्सेस देना है या किसी को कुछ इशू आ गया है वो आप सॉल्व कर रहे होते हो, या थोड़ा बहुत आप कोड के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हो। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि कोई कोड लिखा हुआ है उसके लिए आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, उस कोड को वर्ड फाइल में बना रहे हो या कुछ करा रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। या आप कोड रिव्यू की फ़ाइल क्रिएट कर रहे होते हो। कोड रिव्यू की फ़ाइल क्या होती है कि ये पैरामीटर्स हैं, इन बेसिस पे मुझे आपके कोड को टेस्ट करना है, तो वो होती है कोड रिव्यू की फ़ाइल। तो आप या तो ये चीज़ कर रहे होते हो, और थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप डेवलपमेंट के काम में भी इंक्लूड हो, थोड़ा बहुत आप डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होता है आपके इसके बाद, ट्रेनिंग्स के बाद। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि ट्रेनिंग्स कैसी हैं। तो यार कैपजेमिनी की ट्रेनिंग्स काफ़ी सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि बिल्कुल ही बेकार ट्रेनिंग्स हैं और मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लर्निंग पे ज़्यादा दिया है कंपनी ने, तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे हैं, तो प्रोजेक्ट्स भी मैं कहूँगा कि अच्छे हैं कैपजेमिनी का, इन्वायरमेंट भी कंपनी का अच्छा है, लीडरशिप भी ठीक ठाक है, तो मतलब ओवरऑल आपको ये कंपनी एक ठीक IT MNC कंपनी लगने वाली है, और आपको लगेगा कि मतलब हाँ इसका वर्क एनवायरनमेंट भी ठीक है, और जो वर्क है वो इतना हेक्टिक भी नहीं है, ओके वर्क है। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बुरी तरीके से पूरा काम में लगे हो पूरे दिन भर, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो नॉर्मल वर्क है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस हो गए, तो वो चीज़ भी ठीक है। अब एज अ एनालिस्ट आप क्या कर रहे होते हो, आप है ना प्रोजेक्ट में या तो शेडो हो रहे होगे, या आप किसी सीनियर कंसल्टेंट वगैरह के, आप अगर आप अंडर में होगे, आप सीख रहे होगे स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और जैसा मैंने आप बताया कि आप सपोर्ट का काम कर रहे होगे। साथ ही साथ में इसमें लर्निंग्स आपकी कैसी रहने वाली है, लर्निंग्स वगैरह ओके हैं। बस जो एक मैं चीज़ कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगने लगता है कि आप कहीं जाके स्टक हो गए हो, आप उसी चीज़ पे अटक के रह गए हो, तो वो चीज़ हो सकती है कि वर्क आपको इतना चैलेंज नहीं करेगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस में एज अ एनालिस्ट आपका काम वगैरह काफ़ी अच्छा रहने वाला है।
सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या सर्विस लाइन होती है, कैसे आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं और डिटेल्ड में वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा, सो मेक श्योर यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़ को उठा के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.